नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है और तैयारियां भी शुरू हो गई है। सीरीज बड़ी है और चुनौती भी, ऐसे में बड़े खिलाड़ियों का चलना भी जरूरी हो जाता है। और बड़े खिलाड़ियों के बारे में सोचते ही सबसे पहले दिमाग में नाम आता है विराट कोहली का। कप्तानी के विवाद को पीछे छोड़ वो भी अब सीरीज की तैयारी में लग गए हैं। ऐसे में अब सभी को इंतज़ार है तो विराट कोहली के शतक का। विराट कोहली के T20 कप्तानी छोड़ने के बाद उनसे वनडे टीम की कप्तानी भी ले ली गई थी और रोहित शर्मा को उनकी जगह टीम की कमान सौंपी गई। कोहली अब सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान हैं। काफ़ी समय से कोहली का बल्ला शांत नज़र आ रहा है, उनके बल्ले से पुरानी धार नज़र नहीं आ रही है। उनके फैंस के मन में अब यही सवाल है कि आखिर कब पुराने वाले विराट कोहली देखने को मिलेंगे, कोहली का बल्ला पहले की तरह कब आग उगलेगा। इन सब सवालों के जवाब फैंस को दिए सुनील गावस्कर ने। पूर्व कप्तान गावस्कर का मानना है कि अब पुराने वाले विराट कोहली नजर आएंगे, अब उनके बल्ले से बड़ी पारियां देखने को मिलेंगी। कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछला शतक नवंबर 2019 में लगाया था। वो कोहली का 70वां शतक था और उन्हें अपने 71वें इंटरनेशनल शतक का बेसब्री से इंतज़ार है, जिसका इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। गावस्कर ने कहा कि हम 2 साल पहले वाले विराट कोहली को देख सकते हैं जो शतक पर शतक जड़ते थे। उनका मानना है कि वनडे और T20 की कप्तानी ना होने के कारण कोहली अब खुल के खेल पाएंगे और अपने बल्लेबाजी का लुत्फ उठा सकेंगे। यानी पूर्व कप्तान गावस्कर का मानना है कि कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब उनके ऊपर से बोझ कम हो गया है, ऐसे में विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और बड़ी पारियां खेल पाएंगे। पूर्व कप्तान गावस्कर ने लिमिटेड ओवर के कप्तान रोहित शर्मा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने रोहित पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा वे अपनी IPL टीम मुंबई इंडियंस जैसे भारतीय टीम को भी आगे ले जाएंगे और सफल कप्तान बनेंगे भारत के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।